सो आज जो यहाँ पे टीम्स का मैचेस होने वाला था वाइल्ड कार्ड में, तो उसमें एक टीम को बैन किया गया है। अब वो कौन सी टीम है, क्यों बैन किया गया, बताता हूँ, और साथ में मेजी का क्या प्रेडिक्शन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकती हो, अभी कुछ देर पहले लगभग 20 मिनट्स हुआ है, वाइल्ड कार्ड बैन पैन का ये नोटिस आ गया ऑफिशियल पेज पे, और ये टीम को बैन किया गया है 47 ई स्पोर्ट्स, और ये गॉडलाइक के ग्रुप में थे यहाँ पे देख सकती हो। सो अब जो यहाँ पे ये टीम को बैन किया गया है तो ये लोग नहीं खेलेंगे, और आज शाम में मैचेस चालू होगा तो गॉडलाइक का ग्रुप से 15 टीम्स ही मैचेस खेलेगी। अब इसमें क्यों बैन किया वो देखोगे तो वी आर कमिटेड टू मेंटेनिंग द फेयर एंड कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट इन BGIS। इट इज़ विद रिग्रेट दैट वी मस्ट अनाउंस अ सिग्निफिकेंट डिसीजन अफेक्टिंग द इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस ऑफ स्टेट कॉम्पिटिशन। टीम 47 ई स्पोर्ट्स हैव बीन ऑफिशियली बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन BGIS 2024 ड्यू टू वायोलेशन ऑफ टूर्नामेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट रूल सेट। An investigation confirmed that the team engaged in 6.3.8 activity that directly violated these rules. मतलब एक रूल है 6.3.8, वो क्या है वो आगे बताता हूँ। तो इसमें यहाँ पे ये लोग वॉयलेट किए हैं, इसीलिए ये लोग को बैन किया गया है। These actions undermine the sportsmanship integrity and fairness that BGIS stand for. Team 47 Esports is disqualified from BGIS 2024 and all their results from the tournament will be nullified. We will also undertake a thorough review to determine if further sanctions are necessary, including potential bans from future event organized by Krafton. मतलब यही कि यहाँ पे ये लोग अभी सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए बैन किया गया है, लेकिन अगर ये लोग चाहे तो आगे जो भी फ्यूचर टूर्नामेंट होगा उसमें भी बैन कर सकते हैं, अभी यहाँ पे वो किया नहीं गया है। अब ये लोग सोचेंगे उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। अभी बात करें कि ये रूल 6.3.8 क्या है, तो वो देख सकते हो ब्राइबरी ये है इस रूल में। सो नो टीम मेंबर मे ऑफर एनी गिफ्ट और कैश और अदर रिवार्ड टू अ प्लेयर, कोच, मैनेजर और टीम मेंबर, टूर्नामेंट ऑफिशियल, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर, क्राफ्टन और एनी अदर पर्सन कनेक्टेड विद और एम्प्लॉयड बाय अदर टीम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ टूर्नामेंट गेम। मतलब ये टीम्स ब्राइबरी दी है, अब किसको दी है वो तो नहीं पता, बट अगर कोई प्लेयर, दूसरा टीम, दूसरा कोई मैनेजर, प्लेयर्स या फिर जो क्राफ्टन की यहाँ पे टीम है, किसी बंदा को अगर ये लोग करते हैं कुछ कांड किए होंगे तो इसलिए यहाँ पे ये लोग को बैन किया गया है। तो भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ मत किया करो, और ये कोई हैकिंग या चीटिंग के कारण नहीं है, ये रूल ब्रेक किया गया है इसलिए बैन किया गया है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि प्राइम ई स्पोर्ट्स है जो यहाँ पे एलिगेशन है कुछ टीम्स पे, तो उस पर क्या होगा, तो उसका कोई बैन का नोटिस नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर वो आने का होता तो पहले ही आ चुका होता। सो चलो अब ये तो हो गया, अभी बात करते हैं कि मेजी ने क्या प्रेडिक्शन दिया है। सो पहले तो यहाँ पे वो कुछ अंडरडॉग का प्रेडिक्शन देते हैं, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो RTGINDI, वोल्टैक्स, ESCN और DC, और सेकंड ग्रुप से जुबिलियंट, फिर ब्लाइंड, ग्लिचैक्स एंड TCN, और T1 टीम्स में यहाँ पे बात करते हैं तो वो बताते हैं पहला ग्रुप से एंटिटी और सोल, और दूसरा ग्रुप से टीम आरू और WSB। अब देखो ये प्रेडिक्शन तो मेजी का है, लेकिन हम लोग जानते हैं मेजी का प्रेडिक्शन कितना ऊपर नीचे होता है। खैर देखते हैं आज कौन सी टीम परफॉर्म करेगी, और आप लोग के अकॉर्डिंग क्या है आपका प्रिडिक्शन, कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।